हेलो माय डियर स्टूडेंट्स सो मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में आ, आज मैंने एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन लिया है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम से है आ, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया नीट 2019 का ही क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज फाइव लीटर जैसा कि एक नॉर्मल पर्सन में होता है कार्डियक आउटपुट गिवन है फाइव लीटर ठीक है हार्ट रेट आपको फाइंड आउट करनी है और स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए डायरेक्ट ना देकर आपको थोड़ा घुमा दिया गया है ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्ट्रॉल इज 100 एम यानी जब वेंट्रिकुलर डायस्ट्रॉल खत्म होता है तो 100 एम ब्लड आता है एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड हुआ तो 50 एम ब्लड अभी भी उसमें रिमेनिंग है तो बट ऑबियस वेंट्रिकल ने सिस्टोल के दौरान कितना ब्लड पंप किया होगा 100 माइनस फिफ्टी यानी कि 50 एम वैसे भी ध्यान रखिएगा स्ट्रोक वॉल्यूम का अगर हम फॉर्मूला देखें तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है उसमें से अगर हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को रिड्यूस कर दें Uh, मतलब सॉरी सब ट्रैक कर दे माइनस कर दे तो आपको स्ट्रोक वॉल्यूम मिल जाता है तो सिंपली 100 माइनस फिफ्टी इज इक्वल टू फिफ्टी एम वैसे भी आप देखना बायोलॉजी के न्यूमेरिकल्स में अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ईजिली आपको पता लग सकता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे ठीक है तो 50 एम हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू है कार्डियक आउटपुट 5 लीटर में है तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एमएल में 5000 थाउजेंड एंड हार्ट रेट वी हैव टू कैलकुलेट तो आपको फॉर्मूला पता ही है फॉर्मूला क्या होता है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम तो आपको क्या निकालना है हार्ट रेट दैट इज कार्डियक वॉल्यूम को डिवाइड कर दो स्ट्रोक कार्डियक आउटपुट को डिवाइड कर दो स्ट्रोक वॉल्यूम से तो आंसर क्या आ जाएगा कार्डियक आउटपुट 5000 है स्ट्रोक वॉल्यूम 50 है तो यहाँ पर पर्सन की हार्ट रेट काफ़ी बढ़ जाएगी और ये हो जाएगी 100 बीट्स पर मिनट तो दिस इज द करेक्ट आंसर सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था बट यस yes, इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी कर लेने से सिली मिस्टेक्स एग्जाम में होने से बच जाती है इसलिए ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आप ज़रूर से अपने प्रैक्टिस सेशन में रखें और जो भी बच्चों आप लोग रिवीजन कर रहे हैं पढ़ रहे हैं चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली अप्लाई करें एम प्रैक्टिस ज़रूर से करें तभी आप नीट में सेलेक्ट हो पाएंगे ओके okay?